हमने पोटा कलेजी बिल्कुल होटल स्टाइल में यहाँ पर फ्राई करके लिया है। बहुत ही टेस्टी है खाने में, बिल्कुल इसका टेस्ट होटल की तरह है। तो एक बार इस तरीके से पोटा कलेजी अपने घर में ज़रूर फ्राई कीजिए और खाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कलेजी पोटा फ्राई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और बिल्कुल ये होटल के स्टाइल में हम बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है, देखिए हमने यहाँ पर ये पोटा लिया है और कलेजी ली है, मुर्गे का पोटा और कलेजी है, और दही जो हमने आधी कटोरी ली है, कॉर्नफ्लोर एक कटोरी, और टोमेटो रेड कलर हमने लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्ची पाउडर और चिकन मसाला। चिकन मसाला एवरेस्ट का लिया है, एक पैकेट हमने लिया है चिकन मसाला। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इससे हमारे जो फ्राई पोटा कलेजी बनेगा उसमें। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो पोटा कलेजी है उसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसे अब हम धो लेंगे साफ। एक हमने यहाँ पर टोप लिया है, इस तरीके से हम धोएंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे साफ कर लेना है, और इसे अब हम इस टोप में डालेंगे एक एक करके धोकर। इस तरीके से हम सारा पोटा कलेजी जो है वो धो लेंगे। तो देखिए हमने पोटा कलेजी को टोप में ले लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और 2 से 3 पानी से हम इसे अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए हमने पोटा कलेजी अच्छे से साफ धो लिया है, अब हमने बाउल ले लिया है फिर से, इसमें से हम कलेजी निकाल के अलग कर लेंगे। पहले हम पोटा पकाएंगे क्योंकि पोटा पकने में टाइम लगेगा, कलेजी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हम कलेजी को अलग रख देंगे। जब पोटा 5 मिनट के लिए पक जाएगा तब हम कलेजी डाल के कलेजी को भी पकाएंगे। तो हम इसे पहले बॉईल करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कलेजी पोटा फ्राई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और बिल्कुल ये होटल के स्टाइल में हम बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है, देखिए हमने यहाँ पर ये पोटा लिया है और कलेजी ली है, मुर्गे का पोटा और कलेजी है, और दही जो हमने आधी कटोरी ली है, कॉर्नफ्लोर एक कटोरी, और टोमेटो रेड कलर हमने लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्ची पाउडर और चिकन मसाला। चिकन मसाला एवरेस्ट का लिया है, एक पैकेट हमने लिया है चिकन मसाला। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इससे हमारे जो फ्राई पोटा कलेजी बनेगा उसमें। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो पोटा कलेजी है उसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसे अब हम धो लेंगे साफ। एक हमने यहाँ पर टोप लिया है, इस तरीके से हम धोएंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे साफ कर लेना है, और इसे अब हम इस टोप में डालेंगे एक एक करके धोकर। इस तरीके से हम सारा पोटा कलेजी जो है वो धो लेंगे। तो देखिए हमने पोटा कलेजी को टोप में ले लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और 2 से 3 पानी से हम इसे अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए हमने पोटा कलेजी अच्छे से साफ धो लिया है, अब हमने बाउल ले लिया है फिर से, इसमें से हम कलेजी निकाल के अलग कर लेंगे। पहले हम पोटा पकाएंगे क्योंकि पोटा पकने में टाइम लगेगा, कलेजी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हम कलेजी को अलग रख देंगे। जब पोटा 5 मिनट के लिए पक जाएगा तब हम कलेजी डाल के कलेजी को भी पकाएंगे। तो हम इसे पहले बॉईल करने वाले हैं, गैस ऑन करेंगे और जो हमने कलेजी पोटा लिया है धोकर उसका हम टोप गैस पर रख देंगे। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटा देते हैं और देखिए पोटा बहुत ही अच्छे से उबल के अब पक चुका है थोड़ा सा। तो ये पूरा नहीं पका है, हमें इसे कलेजी में पकाना है और कलेजी को पकाना है, इसलिए हम इसे बीच में ही रोककर इसमें कलेजी डाल देंगे, क्योंकि कलेजी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए कलेजी को हम बाद में डालते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक उठाकर कलेजी इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब दोनों को हमें साथ में पका लेना है।
तो थोड़ा सा पानी हमें इसमें डालना है और आधा ग्लास पानी और डाल देंगे और ढक्कन रख के 5 या 7 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे ताकि कलेजी और पोटा दोनों अच्छे से पक जाए। तो देखिए 5 मिनट और हो चुके हैं, तो अब हम ढक्कन हटा लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा जो हमारा पोटा कलेजी था वो अच्छे से पक चुका है। इसे हमें तेल में भी तलना है, तो ये तेल में भी और ज़्यादा अच्छे से पक जाएगा। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और चम्मच से हम पोटा कलेजी को प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, तो सारे हम पोटा कलेजी जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे निकाल लेते हैं। पोटा कलेजी अब हमने प्लेट में निकाल ली है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमने पोटा कलेजी ठंडा होने रखे थे, अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम कलेजी और पोटा में मसाले लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही, कॉर्नफ्लोर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर और नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, मिर्ची पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना तीखा आपको खाना है उतना डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन मसाला। हमने बोला था कि बहुत ही टेस्टी बनता है इससे हमारा जो पोटा कलेजी फ्राई है, तो चिकन मसाले का आधा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे कलर, जो कि हमने टोमेटो रेड कलर लिया है, बहुत ही अच्छा सा लाल कलर का हमारा जो फ्राई है पोटा कलेजी वो बनेगा। तो हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, सारा मसाला जो है कलेजी पोटा में लग जाना चाहिए। देखिए हमने अच्छे से पोटा कलेजी में पूरा मसाला लगा लिया है, बहुत ही बढ़िया सा मसाला लग चुका है। तो अब हम इसे तलने वाले हैं, तल के इसे फ्राई करेंगे, बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी बन जाएगा हमारा पोटा कलेजी फ्राई। तो अब हम इसे तलने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं तलना। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे गैस पर, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम तेल डालेंगे कढ़ाई में और तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, जो मसाला लगा के हमने पोटा कलेजी रखा है, अब उसको हम एक एक करके तेल में डाल देंगे। एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं तेल में, जितने भी आ सके कढ़ाई में हमारे। तो देखिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है पोटा कलेजी, तो अब हम इसे अच्छे से तेल में मिला लेंगे और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पोटा कलेजी को हमने उबाल लिया है, इसलिए इसे पकने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा जो है हम तेल में कड़क इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पोटा कलेजी जो है हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है इसमें, बिल्कुल अच्छे से इसका पूरा तेल हम निकाल लेंगे झारे से। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, बचा हुआ भी हम जो एक पीस हमारा बचा है उसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए जो हमारे पोटा कलेजी है वो भी ऐसे ही तल लेते हैं। तो देखिए ये पोटा कलेजी भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलेजी पोटा पहले हमने उबाल लिया था, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में, गैस ऑफ कर देंगे हम। तो देखिए पोटा कलेजी हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमने पोटा कलेजी बिल्कुल होटल स्टाइल में यहाँ पर फ्राई करके लिया है, बहुत ही टेस्टी है खाने में, बिल्कुल इसका टेस्ट होटल की तरह है। तो एक बार इस तरीके से पोटा कलेजी अपने घर में ज़रूर फ्राई कीजिए और खाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। खाने से पेट खराब होता है।
खाने से पेट खराब हो जाता है।